नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। आज हम देख रहे हैं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। ये हाइब्रिड है, VX ऑप्शनल 7 सीटर के अंदर हम देख रहे हैं। इसमें हमें इनोवा हाई क्रॉस के अंदर 8 सीटर वेरिएंट भी मिल जाता। VX ऑप्शनल जो आप देख रहे हो 24,95,000 एक्शन रुपया जा जाते हैं इसके हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। ऑन रोड तकरीबन 32 लाख के आसपास ये पड़ती है। ये मैंने एक्शन प्राइस बताया आपको 24,95,000 VX ऑप्शनल 7 सीटर के। मोनोटोन है, व्हाइट कलर के अंदर गाड़ी आप लोगों के सामने है। लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी, 22 में लॉन्च हुई थी शायद ये 22 या 23 में। बाकी गाड़ी हाइब्रिड है, अच्छी परफॉर्मेंस है। इनोवा पेट्रोल में बंद करके डीजल में आती है इनोवा क्रिस्टा। इसके आने के बाद अगर हमें पेट्रोल में इनोवा लेनी है तो हमें ये मिलेगी। अच्छा खासा वही आपको इसमें कंफर्ट वगैरह मिल जाता है, वही सीट ऑप्शंस मिल जाते हैं और 2 लीटर का पेट्रोल इलेक्ट्रिक प्लस हाइब्रिड इंजन आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल हाइब्रिड इंजन इसमें मिल जाता है। अब बात करें फीचर्स की इस प्राइस सेगमेंट पे 2024 BS6 फेज 2 के अंदर हमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो यहाँ फ्रंट पे आ जाएंगे, मैनुअल वाइपर है विद 2 वॉशर, पैनारोमिक सनरूफ दिया हुआ है, रूफ रेस दिए हुए हैं ब्लैक। यहाँ इसके अंदर 78,610 रुपये की एसेसरीज डाली हुई है, मड फ्लैप, फ्रंट अंडर रन, रियर अंडर रन, साइड स्टेप, रियर डोर LED गार्निश, ऐसी काफ़ी चीज़ इसमें डाली हुई है। बट हम पहले गाड़ी देखेंगे। गाड़ी आप लोगों के सामने है, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। यहाँ आपको 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट ग्रे ग्रिल मिलती है इसकी कुछ, यहाँ ये गार्निश बीडिंग मिलेगी आपको। ये एसेसरीज का पार्ट है जो लोअर गार्निश बीडिंग आप देख रहे हो। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, फॉग लैंप्स दिए हुए हैं हाइलोजन बेस, स्किड प्लेट ये भी एसेसरीज का पार्ट है। आगे 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं कैमरा के साथ। यहाँ DRLs मिल जाते, ऊपर DRLs है, इंडिकेटर दिए हुए हैं। 3 बैरल रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा ऑटो। बाकी फ्रंट गाड़ी का आप देख लो, ये जो स्किड प्लेट आप देख रहे हो ये एसेसरीज का पार्ट है। वहीं आ जाएंगे साइड प्रोफाइल पे, तो ये साइड स्टेप एसेसरीज का पार्ट है। ये बीडिंग देख रहे हो आप, डोर बीडिंग ये एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ अलॉयज मिलेंगे आपको। फ्रंट डिस्क ब्रेक है, दो इसमें टायर साइज है 215/60/17 का अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। फ्रंट डिस्क है, रियर भी डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं। फेंडर प्लेन मिलेगा, कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं है। दोनों डोर्स पे हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है। 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा मिलेगा दोनों ORBMs पे। जो गार्निश बीडिंग देख रहे हो आप ORBMs पे, ये एसेसरीज का पार्ट है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, एज गार्ड ये भी एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे आपका रियर मैं बता चुका आपको, ये डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। बाकी बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, ब्लैक और सिल्वर रूफ रेस मिलेंगे, इनोवा की बैजिंग मिलेगी, शार्क फिन एंटीना, यहाँ सनरूफ हो गया आपका। बाकी ए पिलर बॉडी कलर है, BC ब्लैक दिखेंगे। 7 सीटर कार है तो क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा व्यू ग्लास मिलेगा। ये तो हो चुका को ड्राइवर साइड। 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है हमें, पेट्रोल टैंक इसके अंदर। रियर वाइपर दिया हुआ है, डिफॉगर है, स्पॉइलर दिया हुआ है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना हो गया। ये गार्निश जो देख रहे हो आप ये एसेसरीज का पार्ट है। रिवर्स कैमरा, टोयोटा का लोगो, इनोवा आई क्रॉस की बैजिंग, BX हाइब्रिड की बैजिंग, 4 पार्किंग सेंसर रियर में पॉइंट किए हुए हैं। बम्पर का, रियर बम्पर का लोअर पार्ट ब्लैक मिलेगा, 2 रिफ्लेक्टर और ये जो स्किड पायलट देख रहे हो सिल्वर आप, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। ये टोयोटा का लोगो हुआ सैटन लुक में। LED बेस्ड टेल लैंप है, ये आपका इंडिकेटर, ऊपर स्टॉप लैंप मिलेगा इस जगह पे, यहाँ रिवर्स लाइट दी हुई है। बाकी गाड़ी का रियर लुक प्रॉपर आप देख सकते हैं, यहाँ ये पूरा ग्लोसी ब्लैक दिया हुआ है स्पॉइलर के नीचे भी और साइड में भी। यहाँ से ड्राइवर साइड भी देख सकते हैं आप, ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर साइड। अब चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर, उससे पहले की दिखा दूं, कुछ इस तरह की मिल जाएगी हमें। टोयोटा का लोगो, लॉक अनलॉक, ये गाड़ी लॉक हो गई। अनलॉक करेंगे तो ORBM वगैरह अनफोल्ड नहीं होते, लॉक हो गई, ये अनलॉक हो गई, तो कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है, चाबी की जगह है। एक बार देख लेते हैं चेक करके, मैं गन्ने गाड़ी लॉक कर दिया और यहाँ जैसे ही डालूंगा तो ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है अंदर की तरफ, हैंडल पकड़ते गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। डुअल टोन में इंटीरियर दिया हुआ है पूरा ब्लैक और ब्राउन के अंदर, ये सॉफ्ट टच में दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा। ड्राइवर ट्री मामला भी सॉफ्ट टच में है। डोर ओपनर गार्निश में, लॉक अनलॉक के लिए 4 पावर विंडो है, चाइल्ड लॉक के लिए, ORBM एडजस्ट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए। स्पीकर, वाटर स्पेस, नीचे लाइट दी हुई है ड्राइवर डोर पे।
यहाँ ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैंडल, ये बोनट खोलने के लिए, फ्यूल लाइट खोलने के लिए, हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए। यहाँ आपको कप होल्डर मिल जाता है, ड्राइवर साइड भी एसी वेंट, सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट, और अंदर भी मैनुअल सीट्स मिलेंगी। यहाँ आपको हाइट एडजस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, और कॉर्निंग एयरबैग्स तो नहीं दिख रहे इसके अंदर, बाकी यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट दिया हुआ एडजस्टेबल, इस साइड तो नहीं है। चलो गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं वो चीजें। तो भाई गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ मैं, VX ऑप्शनल 7 सीटर वेरिएंट है। इंटीरियर देख लो, यहाँ ये सारा सॉफ्ट टच दिया हुआ है, जहां जहां आपको ब्राउन लेदर ट्रीटमेंट दिख रहा होगा डैशबोर्ड के अंदर, ये सारा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, चाहे यहाँ पे है चाहे यहाँ, ये हार्ड है, बाकी दोनों तरफ सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। स्टीयरिंग देख लेते हैं सबसे पहले हम, थ्री स्पोक में स्टीयरिंग दिया हुआ, फ्लैट बॉटम नहीं है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ मिल जाएगी, स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस हैं। तो ये हो चुका आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, मैं इसे लॉक कर दूंगा। तो लेदर रैप किया हुआ स्टीयरिंग पे, यहाँ पे टोयोटा का लोगो, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें हमें। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, फोन उठाने काटने के लिए भी है। ये आपका क्रूज कंट्रोल यूनिट राइट स्पोक पे दी हुई है, पेंडा शिफ्टर्स दिए हुए हैं, ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, ये आपका वाइपर कंट्रोल हो गए, वाइपर मैनुअल है। मीटर कुछ इस तरह का मिलेगा, एक बार ऑफ करके ऑन कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ किस तरह का, पहले से ना बंद कर देते हैं ऑटो से। तो मैं प्रेस करूंगा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से ये ऑन होगा। ये आपका इको चार्जिंग पावर वगैरह की डिटेल्स देगा, यहाँ पे बताएगा आपको। ये पेट्रोल गेज है, ये इंजन टेम्परेचर गेज है, जो मतलब आपका हाइब्रिड पे चलेगी उस टाइम के लिए, यहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि भाई आप चार्जिंग है, आप इको पे ड्राइव कर रहे हो, आप पावर पे ड्राइव कर रहे हो, इतनी बैटरी फूक रही है, वो सब चीज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। इको पे है तो यहाँ ग्रीन एनिमेशन है, यहाँ ड्राइव मोड में अगर इसका चेंज करता हूँ तो ये ब्लू हो जाएगा, पावर पे करेंगे तो रेड हो जाएगा। इको, ईवी और पावर, तीन तरह से इसमें एनिमेशन चेंज होंगे। यहाँ जो बीच में आप MID देख रहे हो, जैसे डोर खुला हुआ है तो यहाँ पे वो चीज आ रही है डोर की। अच्छा, मोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं इसके, क्या नाम है, म्यूजिक सिस्टम के, वॉल्यूम वगैरह आपका यहाँ से चेंज होगी, बट मोड यहाँ पे दिए हुए हैं। इसे एक बार यार ऑफ कर देता हूँ मैं, यहाँ से ये हो गया ऑडियो ऑफ। और क्या क्या मिल जाता है इसमें हमें, यहाँ फ्यूल लो वगैरह की वार्निंग मिलेगी, डोर खुला हुआ है ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, ऊपर टाइम आ रहा है, हेडलैम्प का आ रहा है ऑटो का, बाकी पूरा ग्रीन आ रहा है जो, और यहाँ सीट बेल्ट की आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाता है, पॉपअप डिस्प्ले दी हुई है इसमें तकरीबन 8 इंच की, 6 स्पीकर के साथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है। उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज पर जाके देख सकते हैं, वीडियो भी चला के दिखा दूंगा म्यूजिक सिस्टम पे, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस है या नहीं वो भी आप यहाँ से देख पाएंगे। वहीं नीचे आएंगे, यहाँ 2 AC वेंट्स दिए हुए हैं, ये आपके फिजिकल बटन्स हैं म्यूजिक सिस्टम के, यहाँ हजार लाइट का बटन दिया हुआ। AC वेंट्स के अंदर भी सिल्वर ट्रीटमेंट आपको दिया गया, ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है, यहाँ पूरा MID दी गई है, ये टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए है, ये फैन की स्पीड के लिए, बटन्स फिजिकल है, टच में बटन्स नहीं दिए हुए। ये आपका AC के लिए, ये इनपुट जो इनटेक और आउटटेक हवा के लिए, ये फ्रंट रियर डिफॉगर के लिए, ये ऑफ के लिए, ऑटो AC के लिए। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा, यहाँ 360 डिग्री व्यू देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ बटन दिया हुआ है। तो कैमरा क्वालिटी थोड़ी मुझे इसकी ऐसी लगती है, इम्प्रूव होनी चाहिए थी। बाकी यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको भी लगेगी, मुझे थोड़ा लगता है कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, बाकी आप एक बार विजिट करें और देखें आके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डल क्वालिटी है, थोड़ा धूप में उस वजह से भी लग सकता है। यहाँ इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, ऑटो होल्ड का फीचर, यहाँ ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, ये ईवी मोड के लिए, प्योर ईवी मोड के लिए, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन है, ये टाइप सी USB दिया हुआ, इसे आप मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हैं इस साइड शिफ्ट करके प्लस माइनस पे पेंडा शिफ्टर्स के साथ। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है साइड में। कुछ इस तरह का आर्मरेस्ट मिलेगा विद स्टोरेज, स्लाइडेबल नहीं है। 12 बोल्ट का आउटपुट यहाँ मिलेगा, ऊपर भी जगह दी हुई है, और यहाँ लाइट है इसके अंदर डैशबोर्ड के ऊपर। ग्लोब बॉक्स में
कुछ इस तरह की स्टोरेज दी गई है। ऑटो डिमिंग IRBMs मिलेंगे, यहाँ बटन दिए हुए हैं ऑटो डिमिंग के लिए, जहाँ आप लाइट दिख रहे होगे हरी हरी सी, यहाँ पे आपका लाइट है, रीडिंग लाइट दी हुई है, हाइलोजन बेस ये येल्लो। ये सनरूफ कंट्रोल है, यहाँ शेड खोलना है तो इससे खोल सकते हो आप खाली शेड, और सनरूफ खोलना तो यहाँ अलग बटन दिया हुआ, शेड और सनरूफ के दोनों के कंट्रोल अलग दिए हुए। पेनारोमिक सनरूफ है ये, ईओ आपका एमरजेंसी के लिए दिया हुआ है इस जगह पे। और ये लाइट हो गई, इधर बेंटी मिरर मिल जाएगा सन वाइजर में विद लाइट, ऊपर लाइट भी है, और ड्राइवर साइड आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट। यहाँ पे माइक्रोफोन दिया हुआ है, यहाँ ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं ड्राइवर को, ड्राइवर साइड भी, बाकी ड्राइवर फ्रंट तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका। अब इसका एसोसरीज मोड ऑफ कर दे, बट उससे पहले सनरूफ देख लो आप, कुछ इस तरह का पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है इसमें हमें, डबल शेड के साथ, डबल जो ये गिलास है इसके साथ, बट ये वाला गिलास ही पीछे जाता है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, थोड़ा सा वो भी जाता है। जैसे मैं इसे खोलूंगा तो ये देखिए, ये आपका सनरूफ खुल गया इस तरीके से, नहीं वो हाई राइडर में जाता है, हाई क्रॉस में नहीं जाता, मेरे को हाई क्रॉस का याद आ गया, सिर्फ इसमें ये आगे वाला पैनल ही जाएगा पीछे। यहाँ एम्बियंट लाइटिंग दी हुई है इस जगह पे, बाकी चलते हैं एक बार पैसेंजर सीट्स पे, तो एसेसरीज मोड कर देते हैं इसका ऑफ और आ जाते हैं गाड़ी से बाहर उतर के, ये ऑटो पे डाल देते हैं हेडलैम्प यूनिट वापस से इसकी। यहाँ जैसे हम पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, वही ब्लैक और ब्राउन में पूरा इंटीरियर दिया हुआ है डुअल टोन के अंदर, कर्टन मिल जाता है पैसेंजर सीट पे जो कि काफ़ी यूजफुल है। डोर ओपनर गार्निश में है, लॉक अनलॉक का बटन, ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्री मामला उस भी सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, नीचे रिफ्लेक्टर है, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ आपको इसमें कैप्टन सीट्स हैं, बेंच सीट भी मिल जाएंगी, बट ये कैप्टन सीट वाला वेरियंट है। और यहाँ स्लाइड का, ये आपको रिक्लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा इस जगह से, ये रिक्लाइन का है ये वाला, और ये सीट फोल्ड करने के लिए हैंडल है। बाकी अंदर आ जाते हैं तो डोर कर लेता हूँ क्लोज। यहाँ पे एसी वेंट्स है सेकंड रो के लिए, लाइट दी हुई है, लाइट येलो ही मिलेगी, ये आपका ग्रैब हैंडल हो गया, ये एसी की स्पीड के लिए MID भी दी हुई है, नीचे दो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं इस जगह पे, दोनों टाइप सी दिए हुए हैं, भाई सब आईफोन चला रहे हैं आज की डेट में। यहाँ पे आपका 4 किलो तक वेट हैंग कर सकते हो आप पैसेंजर सीट पर, ड्राइवर सीट पर नहीं दिया हुआ, पॉकेट दी हुई है, यहाँ आपको कप होल्डर मिल जाता है, इस तरह से उठाना होगा, और अगर पीछे किसी को जाना तो इस तरह से नीचे कर सकते हैं और यूज के लिए ऊपर खोल सकते हो। दोनों में एडजस्टेबल हैंड रेस्ट मिल जाते हैं, आर्म रेस्ट मतलब, आप अपने अकॉर्डिंग से खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ रीडिंग लाइट हो गई, यहाँ एम्बियंट लाइटिंग है दोनों तरफ रूफ के ऊपर। थर्ड रो में एसी वेंट्स यहाँ दिए हुए हैं थर्ड रो के लिए, यहाँ पे कप होल्डर्स दिए हुए हैं दोनों तरफ, 12 वोल्ट का आउटपुट भी दिया हुआ है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और ऊपर रीडिंग लाइट अलग से दी हुई है थर्ड रो के लिए। तो ये तो हो चुका आपका सेकंड रो, डोर कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे इन्होंने फुटरेस्ट सही लगा दिया, ये एसेसरीज का पार्ट है, बट कस्टमर लेते हैं ये चीजें, तो कुछ इस तरह से बोर्ड गेट ओपन होगा इसका। अगर सीट फोल्ड नहीं है तो कुछ इतना बूट स्पेस मिलेगा आपको, पीछे लाइट भी है बूट स्पेस के अंदर, तीसरा हेडरेस्ट भी मिल जाता है, यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं इस जगह पे, और अगर आप सीट दोनों ही फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से तो 400 प्लस लीटर का, आप तकरीबन 500 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, 400 से तो गलत बोल गया मैं, तकरीबन 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है अगर थर्ड रो की दोनों सीट हम फोल्ड कर देते हैं। जैसे इसका बोनट ओपन करेंगे, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी हुई है, इसमें हमें TNGA 5th जनरेशन हाइब्रिड इंजन मिल जाता है, 2 लीटर का 4 सिलेंडर 4 वाल्व हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल है ये, जो कि 184 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है ये इंजन, और टॉर्क जनरेट करता है 188 Nm का। मैक्सिमम मोटर परफॉर्मेंस पे इसका टॉर्क रहेगा 206 Nm का। माइलेज 23.24 km/L की माइलेज आती है। ड्राइविंग रेंज 1208 km फुल टैंक पे चल सकती है। ऑटोमेटिक ECVT, CVT गियर, मैनुअल ओवरड्राइव, पैनल शिफ्टर के साथ आपको ये वेरिएंट मिल जाता है। और इसमें आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बताऊं तो
52 लीटर का फ्यूल टैंक है, 52 लीटर का। तो ये था भाई आपका टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड VX ऑप्शनल 7 सीटर का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।